कुन का फटका, 440 का झटका। ज्यादा ही सीधे हो शरीफ। कैसे ट्रोलर्स की बोलती हुई बंद, कौन देगा फिल्म को शानदार म्यूजिक। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। वैसे तो ईद और दिवाली साल में अलग अलग दिन मनाए जाते हैं, पर दबंग खान ने इन दोनों त्योहारों को एक साथ मनाने का फैसला किया है। मतलब दिवाली और ईद का जश्न एक ही दिन, अब या तो सिर्फ वही कर सकते हैं। सलमान के पास कोई सुपर पावर नहीं आया है, या उनकी आने वाली फिल्म का नाम है कभी ईद कभी दिवाली। यह फिल्म रिलीज होने वाली है इस साल ईद के मुहूर्त पर, मतलब यह है कि एक ही दिन जश्न की दो वजहें मिल गई। साजिद नाडियाडवाला की प्रोडक्शन के साथ सलमान अपनी आने वाली फिल्म पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले आमिर की लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने वाली है और उसके बाद 2023 में शाहरुख की पठान आने वाली है। तो अपने इन दो जिगरी यारों को दर्शन देने के लिए सलमान जी जान से मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ फिल्म में नजर आएंगी फॉर अ चेंज पूजा हेगड़े। हमने इसलिए कहा क्योंकि ज्यादातर वक्त कैटरीना कैफ के साथ ही दिखते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे फरहाद शाम जी, जो इन दिनों बच्चन पांडे के प्रमोशन में बिजी है। दोस्तों फिल्म की कहानी काफी सिंपल होगी, इसमें हमें सारे कलाकार धर्म एकता पर बात करते हुए नजर आएंगे। वैसे उम्दा कहानी के साथ उम्दा गाने भी होंगे। सलमान की लगभग सारी फिल्मों को साजिद वाजिद ने म्यूजिक दिया है। वाजिद तो अब नहीं रहे, पर साजिद ने सलमान का बखूबी साथ दिया है। उनके गाने वो भी काफी हटके होते हैं, जिससे माहौल एकदम जबरदस्त हो जाता है। लगता है इस बार उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी आने वाली है और भाईजान का उम्दा नहीं बल्कि अतरंगी डांस भी देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों सलमान एक गाने के आधे स्टेप्स भूल ही जाते हैं, इसमें बाकी कलाकारों को उन्हें काफी सपोर्ट करना पड़ता है, तब भी अपना यूनिक स्टाइल दिखाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ते। वाकई सलमान की कोरियोग्राफ करना बड़ी परेशानी है, पर यह चैलेंज सिर्फ एक इंसान बखूबी निभा सकता है। उसका नाम है मुदस्सर खान, जो मशहूर कोरियोग्राफर होने के साथ साथ डांस इंडिया डांस पॉपुलर रियलिटी शो के जज रहे हैं, जिन्हें बॉलीवुड में ब्रेक दिया खुद अपने भाईजान ने। मुदस्सर ने स्टेप्स को काफी सिंपल होते हैं, जो सलमान को याद रहते हैं और बाद में वही ट्रेंड बन जाता है। तो इस बार भी सलमान उन्हें ही मौका देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों वैसे उनके डांस, उनकी एक्टिंग या फिल्म पर कोई कितना भी गंदा कमेंट क्यों ना करे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी जो खबरें आनी है वह सुनने में तो वह इंटरेस्टेड भी नहीं है। कुछ लोगों का यह मानना है कि बॉलीवुड में खानों का दौर खत्म हो चुका है। आपको सच में ऐसा लगता है? उल्टा जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनकी बोलती बंद करने के लिए ये खान ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, वह भी बिना बोले। नए एक्टर आएंगे, नया टैलेंट सामने आएगा, पर सलमान और बाकियों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना जो नाम कमाया है, पहचान बनाई है और एंटरटेन किया है, वह सबसे बढ़कर है। उनका दौर खत्म ही नहीं हुआ है बल्कि इसके आगे भी शुरू रहने वाला है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सलमान को अब रिटायर होना चाहिए? बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहें, खुश रहें।